हे दर एवरी वन अ वेरी वॉन्ग वेलकम टू ईश एंड एवरी वन ऑफ यू एट माई चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कृति की तरफ से जहाँ पर वो लिखती है नेहा आई एम फोर्टी टू एंड सेपरेटेड फ्रॉम माई हजबेंड आई हैव ऑलवेज लिव्ड अ वेरी टफ लाइफ आई लॉस्ट माई फादर वेन आई वॉज फाइव माई मदर यूज टू ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क सो डेंट इवन एक्सपीरियंस दैट चाइल्ड हुड एंड नाउ वेन आई एम वर्किंग देर आर टाइम्स वेन आई गेट स्टार्ट विद अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री हैव अ लविंग पार्टनर मैट सो मैनी मैन नथिंग इज़ वर्किंग आउट माई ओनली थाट इज़ हु एम आई डूइंग इट फॉर मेरी सिर्फ एक ही थाट है कि मैं कर किसके ले रही हूँ थैंक यू सो मच कृति फॉर दिस क्वेश्चन और आप किसके लिए कर रहे हैं सबसे पहले आप अपने लिए कर रहे हैं हमेशा 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 याद रखेगा वेल थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत uh, औरतें पूछती हैं और ख़ास तौर से इंडिया में आई टेल यू वाई क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ही बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ना कहते हैं कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट यू गेट व्हाट यू आर तो सबसे पहली चीज़ जो है जो आपको सेल्फ चेक करने की ज़रूरत है वो है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई बिलीव्स बनी हुई हैं कुछ ऐसी बिलीव्स ऐसी नेगेटिव बिलीव्स जो कि लोगों ने दी हूँ या अपने अंदर ही क्रिएट हुई हूँ बिलीफ जैसे कि क्योंकि मैं डिवॉर्स हूँ तो मुझे जो पार्टनर भी मिलेगा वो भी डिवॉर्स ही होना चाहिए या होगा राइट right? क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है फोर्टीज़ में हूँ तो मुझे भी कोई फोर्टीज़ में ही मिलेगा यू you नो know? और क्योंकि मैं फोर्टीज़ में हूँ तो इतना आसान नहीं होता है अक्सर हमें ये बिलीव की जाती है ना क्योंकि अब आप, आपकी एज हो रही है तो आपको इतनी ईजिली कोई मिलेगा नहीं क्यों भाई <laughs> क्यों <laughs> क्यों ऐसा क्यों सोचिए ना एक बार क्वेश्चन तो करके देखिए तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसी बिलीव्स आपके अंदर हैं अगर ऐसी बिलीव्स हैं तो ऑफकोर्स आप बहुत सारे तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं एक जो सबसे पहला तरीका है चेंज करने का वो है कि आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने अपने बैरियर्स को ब्रेक करा है अपने इस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करा है और एक बहुत ही अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करा है अपनी लाइफ में तो आप चाहो तो आप उनकी बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो जैसा उनका सोचने का स्टाइल है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हो और जितना ज़्यादा बढ़ोगे ना आपके अंदर एक बिलीफ बनेगी कि नहीं ये तो पॉसिबल है ये पॉसिबल है कि मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ वैसा व्यक्ति जैसा मैं चाहती हूँ ओके नंबर वन नंबर टू बहुत ज़रूरी है कि जानना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी प्रीवियस मैरिज से अभी तक बाहर ही नहीं निकले हो मैं लीगली बात नहीं कर रही हूँ मैं वाइब्रेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आपके अंदर अपने एक्स हस्बैंड के लिए कुछ नफरत है कुछ ग्रजिज हैं तो उसे ठीक करना जरूरी है लेकिन क्या उनसे बात करके उसे ठीक करेंगे ऑफ कोर्स नॉट बहुत सारे तरीके होते हैं हमारी ट्वेंटी वन डेज एन वर्कशॉप में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने पास्ट के इंप्रेशन को कम्प्लीटली हटा सकते हैं ठीक है ना तो आप वो वर्कशॉप में आकर भी कर सकते हैं प्लस अनदर वे टू डू दैट इज जस्ट सिट विथ योर सेल्फ एंड स्टार्ट टू फॉरगिव दैट पर्सन और गो डीपर इन्ट टू योर सेल्फ यूजली ये प्रोसेस बहुत इंटेंस होता है सो वी यूजली रेकमेंड पीपल टू कम इ दर्कशॉप एंड जस्ट गेट ओवर विद इट आई रिमेंबर मेरे पास एक बहुत ही अच्छी एक क्लाइंट थी जिनके डिवॉर्स को कुछ चार पाँच साल हो चुके थे लेकिन फिर भी शी वॉज ऑलवेज ऑलवेज वेरी अनस्टेबल एंड जब उन्होंने मेरी वर्कशॉप अटेंड करी तीसरे चौथे दिन उनका मुझे मैसेज आया कि नेहा मैं इतना नोस्टाल्जिक फील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ और एंड में उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि चाहे मैं जितना भी इमोशनल फील कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मेरा क्लोजर हो गया तो कई बार क्या होता है क्लोजर नहीं होता है रिश्तों में चाहे वो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो व्यक्ति आसपास नहीं है या अगर आपको लगता है कि आप उनसे बात करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी तो वाइब्रेशनल लेवल पे आप कैसे क्लोज कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को ताकि आप जब नए रिलेशनशिप में जाएं तो ये सब चीज़ें लेकर ना जाएँ है ना आप भरे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से आप एक नए पर्सन को भी वो सब दे रहे हैं सोचिए ना क्या वो डिजर्व करते हैं ये नहीं ना सो प्लीज मेक श्योर दैट आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें राइट right? लेकिन एक और भी चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको आप एक ट्रैक पर जा रहे हैं यानी कि यू नो एक माउंटेन ट्रैक पर जा रहे हैं और बहुत ही भारी सा बैग लेकर जा रहे हैं विल यू बी एबल टू क्लाइम इट वेल और विल यू बी एबल टू इन्जॉय द जर्नी नहीं ना तो उन्हीं आ, उस बैगेज को वो जो भी भरा हुआ है आपके अंदर कहाँ भरा हुआ है आपके मन में ही भरा हुआ है ना वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा इट्स लाइक like कि लेट्स से अगर आपके पास एक जग है और जग थोड़ा गंदा हो रखा है है ना थोड़ा थोड़ा गंदा हो रखा है साइड से और अगर आप उसमें फ्रेश वाटर डालते हो तो पानी भी तो गंदा हो जाएगा ना तो ये फ्रेश वाटर क्या है ये फ्रेश वाटर ही ये नया पर्सन है और ये जग क्या है ये जग है आपका माइंड आपकी सोल और ये गंदगी क्या है वो जो इम्प्रेशन्स वो जो पास रिलेशनशिप के रहे हैं राइट right? सो so, पहले अपने जग को साफ करिए देन पुट द फ्रेश वाटर इन ओके सो दिस इज़ अनदर थिंग इसके बाद आप क्या करेंगे पूरा स्टेप बाई स्टेप मैथड मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद आप क्या करेंगे अपने साथ बैठेंगे और लिखेंगे एक नोटबुक में कि आपको जो पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर्सन में अक्सर से हम अपने मन में सोचते हैं अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए तो दो चार चीज़ें होती हैं लिखो उसे अपने मन के अंदर से बाहर निकालो जैसे कि मन के अंदर कई बार पहाड़ बन जाता है ना तो उस पहाड़ को बाहर निकाल कर अपने सामने रखो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये जब सारी क्वालिटीज जो मैं सोच रही हूँ क्या मैं डिजर्व भी करती हूँ नहीं करती हूँ ऐसा व्यक्ति राइट right? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखो टू मेक योर सेल्फ डिजर्विंग कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ आने की ज़रूरत है ताकि मैं इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकूँ ना आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे ओ माय गॉड इसमें तो पूरी लाइफ लग जाएगी हम कितनी ऐसी क्वालिटीज़ को uh, अपने आप को डिजर्विंग बनाते रहेंगे या कितनी अपनी अपने अंदर क्वालिटीज़ ऐड करते रहेंगे देखिए ऐसा कुछ नहीं है आपको एक या दो बार बैठना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए ठीक है ना ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है मैंने इसी तरीके से अपने लाइफ में अपने पार्टनर को और अपनी बहुत अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करा है ठीक है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे आपने मेंशन करा कि आपका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट रहा है राइट right? पेरेंट्स का इतना प्यार नहीं मिला तो आप काफ़ी टफ़ हो गए है ना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने बहुत ज़्यादा ली हैं तो कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं बहुत स्टिफ हो जाते हैं बहुत फर्म हो जाते हैं तो जब हम अपने पार्टनर को भी वही चीज़ें दिखाते हैं तो बेसिकली हम अप, हमने अपने दिल का जो तो दरवाज़ा है वो बंद करा हुआ है है ना कभी कभी इनिशियली तो ऑफकोर्स नहीं होगा इनिशियली आपको प्यार होगा बट जब रियली में आपके पैटर्नस दिखने शुरू होंगे जब रियली में आपकी नेगेटिविटी दिखनी शुरू होगी और हो सकता है आपकी पास्ट मैरिज में भी रहा होगा है ना कि आपका अथॉरिटेटिव नेचर आपका कंट्रोलिंग नेचर ऐसा हो सकता है मैं ऐसा है नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा है ही बट कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा बचपन अगर अच्छा नहीं गुजरता या बहुत टफ गुजरता है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा टफ बना लेते हैं और रिश्तों में ना टफनेस से कुछ काम नहीं बनता वहाँ पर आपको मेल्ट होना पड़ेगा वहाँ पर कई बार आपको झुकना भी पड़ेगा एंड मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हम वुमेन हैं बिल्कुल नहीं किसी को भी हल्का फुल्का झुकना पड़ता ही है और जब झुकने की बात कर रही हूँ ऐसा नहीं कि आप अपने बारे में भूल जाएंगे नहीं लेकिन हर बात जब भी आप कभी अपने किसी यू नो पार्टनर को जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं जब भी अगर कभी उनके साथ आर्ग्यूमेंट होगी तो एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है है ना कभी कभी साइलेंस बहुत अच्छा काम करती है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये uh, जो आपका एक एटीट्यूड है जो एक टफनेस वाला एटीट्यूड है इसको सिर्फ वहीं यूज़ करें स्पेशली uh, बिजनेस में जहाँ पर आपको फ़ायदा भी हो राइट सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू डू इट टाइमली एंड ऑफकोर्स वेरी वाइजली एज वेल राइट सो जस्ट ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड सी हाउ यू फील सी हाउ यू कनेक्ट विद योर सेल्फ मोर क्योंकि अगर आप खुद खाली हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को क्या देंगे है ना आप कह रहे हो कि मैं बहुत लोनली हूँ मैं बहुत खाली महसूस करती हूँ तो आप दूसरे व्यक्ति को क्या देंगे तो सबसे पहले अपने अंदर फुलफ़िलमेंट को भरिए अपनी अचीवमेंट्स को देखिए उसके साथ खुश होना सीखिए और लेट गो करना थोड़ा बहुत सीखिए कह रहे जब आप अपने साथ खुश होना सीख जाएंगे तो अपने आप ही आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझे रैली में जरूरत है नहीं ज़रूरी नहीं कि आपको इसके साथ कुछ शेयर करना है इसीलिए Uh, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो हम अपनी लाइफ में कई बार अट्रैक्ट करते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए है ना हम अट्रैक्ट करते हैं Uh, या एक पार्टनर के साथ हम रहना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस लव को शेयर कर सकें ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ अपना दुख दर्द ही शेयर करना है है ना तो कई बार दो पार्टनर्स में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो एक विजन सेट कर सकते हैं अपने लिए अपने बिज़नेस के लिए और अपनी रिलेशनशिप के लिए एंड देन आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ना सो प्लीज़ मेक श्योर कि सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करें और जब आप फॉलो करेंगे आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आप इतने फुलफिल्ड हैं कि नाउ प्रोबली यू आर रेडी और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक आप फुलफिलमेंट के लेवल तक आते हो तभी तक यूनिवर्स को एक, एक इंडिकेशन चला जाता है और बहुत लोग मेरे पास आए हैं विद इन कपल ऑफ डेज और मंथ Ki they were able to attract the person that they wanted nah, chahi, chahi wo married ho, wo single it was where people had come to me and then you know they used to uh, after a month or so they used to send me a picture of their uh, you know, new partner and they, they're like we're getting married or we're getting engaged and it comes as such a surprise to me as well and so, so much happiness uh, it gives me to be sharing this message this love and this uh, knowledge and wisdom with these people. सो बिकम फुलफिल्ड फर्स्ट अगर लोनली होंगे तो सामने वाला भी लोनली अट्रैक्ट करोगे और दोनों में लोनलीनेस होगी आप डिप्रेस होंगे सामने वाला भी डिप्रेस्ड अट्रैक्ट करोगे और दोनों में डिप्रेशन होगा राइट सो यू डोंट गेट वट यू वॉन्ट यू गेट वट यू आर सो ये पूरा प्रोसेस आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए मजबूर करेगा और जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द पर्सन दैट यू वॉन्ट और वो जो लोनलीनेस है वो फिल हो जाएगी फुलफिलमेंट के साथ सो बी लकी दैट आर लोनली अपने आप को लकी मानिए कि आपके अंदर एक खालीपन है कि आप इसको किसी के साथ भी फ़िलअप कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको डिप्रेशन के साथ फ़िलअप करना चाहते हैं या फुलफिलमेंट के साथ फ़िलप करना चाहते हैं ठीक है थैंक यू सो मच प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर कर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमसे पूछिए कॉमेंट बॉक्स में या मेरे मेल पर भी आप लिख सकते हैं हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा फेसबुक एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रोग्रेस करते रहें आप बढ़ते रहें स्टक मोमेंट में मत रहिएगा स्टक मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ Uh, वो लोग रहते हैं जो कि हु जस्ट डिजन वॉन्ट टू ग्रो और स्टक होना जो है उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है राइट सो स्टक मत रहिए आगे बढ़ते रहिए एंड आई एम श्योर आपको ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे सो प्लीज़ टू राइट एंड इन द कॉमेंट बॉक्स एंड येस टू राइट इफ यू आर फीलिंग लोनली एंड हाउ डू यू डील विद इट आई वुड लव टू नो दैट थैंक यू बाय